हाय गाइस, आज हम नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये ट्रीटमेंट कैसे की जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। इस ट्रीटमेंट के लिए हमें नैनोप्लास्टिक का प्रोडक्ट चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट के बाल वॉश्ड होने चाहिए, किसी भी तरह का कोई ऑयल या कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। उस बाल में हम क्लीन बाल में हम नैनोप्लास्टिक का प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन, और उसको अच्छे से कोम करके इमल्सिफाई करके पूरे हेयर में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद हम इस प्रोडक्ट को 45 टू 90 मिनट्स तक रखेंगे। नॉर्मल कुछ कवर वगैरह नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। उसके बाद हम इसको वॉश कर देंगे प्लेन वाटर से। अबाउट 80% हमें पूरा प्रोडक्ट नहीं निकालना, 80% निकाल के वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम ब्लो ड्राई से ड्राई करेंगे। जब 100% बाल ड्राई हो जाएंगे उसके बाद हमें हेयर को अगेन 4 सेक्शन में डिवाइड करके थिन लेयर्स में आयनिंग करनी है। हमें पतले पतला सेक्शन लेके आयन करना है। एक एक सेक्शन को हमें 5 to 10 टाइम्स आयन करना है डिपेंडिंग ऑन द हेयर। याद रखिए, आपकी आयनिंग परफेक्ट होनी चाहिए। हीट जो लेवल है आप हाईएस्ट भी रख सकते हैं अगर वर्जिन हेयर है। अगर कलर कोटेड हेयर है या ट्रीटेड ऑलरेडी हेयर है तो उस पर हम टेम्परेचर लेवल थोड़ा कम रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द हेयर टाइप। हमें इसी तरीके से पूरे बाल पे आयन करना है। आयन करने के इसी तरीके से हम पूरे बाल आयन कर लेंगे। जब आयन हो जाएगा तो आप इसका एंड रिजल्ट देख सकते हैं। आयन करने से आपके बाल में जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा और पूरे अच्छे से सील इन हो जाएगा। आयन फिनिश होने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। बालों का आप टेक्सचर खुद हाथ लगा के फील करेंगे कि बहुत सॉफ्ट हो गया है, बाल में एक अलग सी शाइन आ गई है। और इस वक्त तो बाल काफ़ी स्ट्रेट लग रहे हैं बिकॉज आयन जस्ट किया है। ये आपके बाल, याद रखिए, फुल स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट की तरह स्ट्रेट नहीं करता है। 50 to 60% आप बोल सकते हैं हद तक स्ट्रेट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हेयर टेक्सचर। अगर ज़्यादा थिक बाल हैं तो ज़्यादा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट नहीं आएगा। ये कुछ हद तक आपके बाल स्ट्रेट करता है विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल्स। कोई बाल में डैमेज नहीं होता है, इसे कोई भी तरह के हेयर पे यूज़ किया जा सकता है। सो इसके बाद हम ये ट्रीटमेंट के बाद हम सेम डे वॉश कर लेते हैं। उसके बाद आपको सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना है। रेगुलर शैम्पू कंडीशनर यूज़ नहीं किया जा सकता। और शैम्पू कंडीशनर के बाद जो है आपको एंड रिजल्ट दिखाई देगा। सो ये ट्रीटमेंट बेसिकली विदाउट एनी केमिकल्स है, सेफ टू यूज़ ऑन ऑल हेयर, एंड इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। इवन टीनेजर्स के हेयर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत क्वेरीज आ रही थी कि नैनोप्लास्टिक ट्रीटमेंट कैसा होता है, कैसे किया जाता है, बताइए। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाया है उसके बारे में। होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू।